गुड मॉर्निंग बच्चों, आला क्लास नाइन का केमिस्ट्री आपका थर्ड चैप्टर शुरू किया गया था, परमाणु तथा अणु। इस चैप्टर के हम सवाल आपको करा रहे थे जिसमें आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना वहाँ तक की बात बताई गई थी। आज कुछ न्यूमेरिकल उसके और कराए जाएंगे और न्यूमेरिकल आपके हो जाए इसके बाद का चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर इसके हम आपको एनसीईआरटी सवाल बताएंगे। तो आज आप लोग सबसे पहले इसमें से कुछ और इसके न्यूमेरिकल सवाल कर लें। जैसे देखिए इसमें और सवाल कराएंगे हम आपको, तो इस क्रम में आप क्वेश्चन देखिए दिया है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% व ऑक्सीजन 53.4% है। सवाल है आपका, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन दिया है 40%, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.4%। उपस्थित है यदि यौगिक का अणुभार, यदि यौगिक का अणुभार 60 है तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। इसके पहले आप निकाल लिए थे उस बेस के, देखो और एक न्यूमेरिकल है आपका, कह रहा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है। यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 60 और यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप वही 3-4 कॉलम बनाएंगे, तत्व का नाम, प्रतिशत, परमाणु भार, प्रतिशत बटे परमाणु भार और लास्ट वाले कॉलम में सरल अनुपात, ऐसे आप कर लेंगे। इसके बाद देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज है 40, हाइड्रोजन का 6.67 और ऑक्सीजन का है 53.4। ठीक, परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। क्या हो जाएगा? 40/12, 6.67/1 और 53.4/16। इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड करें, इसमें कितना आएगा? लगभग 12 × 36 और फिर 4 × 12 = 36, लगभग 3.33% आएगा। और इसमें क्या आएगा? 6.66 और इसमें देखो 16 × 48, 48 × 5 = 53 और फिर 16 × 48, इसमें भी आपका हो जाएगा 3.33 के आसपास आए। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू सरल अनुपात में क्या करेंगे? 3.33/3.33, 6.66/3.33, 3.33/3.33, बराबर देखो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1
इसको टू और इसको वन, ठीक। तो यहाँ पर बन गए चार, चार से क्या बना, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या निकल के आ रहा है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा, CH2O, यह आपका मूलानुपाती सूत्र बन गया। अब कह रहा है कि यौगिक का अनुभार 60 है, तो इसमें इसके यहाँ सूत्र ज्ञात करो, क्या लिखेंगे। अब ये हो गया, अब नीचे लिख लेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। सूत्र भार कितना आएगा इसका, देखो कार्बन का परमाणु भार 12, दो हाइड्रोजन का दो, एक ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ रहा जोड़ के 14 और 16 30, मूलानुपाती सूत्र भार 30 आ गया। लिख लेंगे अतः मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा, भार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, भार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो भार कितना है इसका 60, तो 60/30 ये कितना आ गया 2। मोलों की संख्या आपको मिल गई 2। अब इसमें आपको पूछ रहा है क्या, अणुसूत्र। अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, अब लिखा है खाता अणुसूत्र बराबर यन गुणे मूलानुपाती सूत्र। अब आपका यन क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी आ रही 2, तो 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र आपका क्या मिला है CH2O। अब इसको डिवाइड में पूरा कर लिए क्या आया C2H4O2, ठीक। ये आपका मिल गया मूलानुपाती सूत्र और उसके अणु सूत्र। तो इस तरीके से ध्यान देना बच्चों, परीक्षा में सवाल आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही मेथड है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 देखो, इसमें और भी क्वेश्चन हैं, सॉल्व करा दे रहे हैं। इसके बाद देखो आया है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल है निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या निकालना है आपको, पहला है 52 ग्राम हीलियम और दूसरा है 12.044 गुणे 10^23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, हीलियम परमाणुओं की संख्या, ये आपको दी गई है। तो इनसे आपको इनके मोल पता करने हैं, कितने मोल इसमें होंगे, ठीक। चलो इसको सॉल्व किया जाए। चलो देखो कह रहा 52 ग्राम हीलियम, आंसर बनाइए, हीलियम है 52 ग्राम, तो एक हीलियम का परमाणु भार 2 होता है, अणु भार कितना होगा 4। मोलों की संख्या पहला पॉइंट है, मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे मोलर भार या अणु भार
तो भार इसका कितना दिया है 52 ग्राम, बटे अनुभार कितना आएगा 4, क्योंकि ये ऐसे होता है Hg2। ठीक, हीलियम का दोगुना मान लेंगे यहाँ, अनुभार इसका दोगुना 4, तब ये क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 13, ये हो गया इसमें 13 मोल। कह रहा मोलों की संख्या बताइए, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताइए, तो कितना आएगा 13 मोल। ठीक, सवाल अगला है आपका 12.0444×10^23 दिया है, इतना ग्राम हीलियम परमाणुओं की संख्या दी गई है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे सेकंड पॉइंट बनाइए, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, ऐसे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। परमाणु संख्या आप में कितना आ रही है, 12.0444×10^23, अवोगाड्रो संख्या 6.022×10^23, डिवाइड कर लो देखो कितना मोल आ जा रहा है, सेम है, दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, 22×44 है, 6×12 यानी कि आ जाएगा आपका 2 मोल, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, एक तरीके ये सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। चलिए अगले टाइप का सवाल देखो, तीसरे टाइप का, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 3 देखो, निम्न में कणों की संख्या, कणों की संख्या ज्ञात करो। इसमें आपको पार्टिकल कितने होंगे वो पता करनी है, कणों की संख्या ज्ञात करो। पहला सवाल है 46 ग्राम सोडियम, फर्स्ट पॉइंट है 46 ग्राम सोडियम, सेकंड है 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम O2 अणु, ऑक्सीजन अणु, थर्ड पॉइंट है 0.1 मोल कार्बन परमाणु। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कणों की संख्या बताइए। ठीक, तो हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं, इसी से आसानी से आप निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, कणों की संख्या बराबर n गुणे अवोगाड्रो संख्या, जहां पर n क्या है, मोलों की संख्या। ठीक, किसी में कणों की संख्या आपको निकालनी हो तो उसके मोलों की संख्या को निकाल के अवोगाड्रो संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो चलो देखो, कह रहा 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे मोलों की संख्या क्या होगा, भार बटे मोलर भार, तो भार इसका कितना है 46, और सोडियम का परमाणु भार होता है 23, आ गया 2। ठीक, अब लिखेंगे कणों की संख्या इक्वल टू n इंटू अवोगाड्रो संख्या को हम डिनोट करते हैं n a से, 60
यंग के से, यंग की संख्या है 2 × 6.0, 2×10^23, 6.0, 2×10^23। अब देखो इसमें क्या पूछा था, कणों की संख्या, तो आप क्या निकालने जाएंगे, इसको गुणा कर दिए। अब गुणा करके देखो कितना आ रहा, 12.044×10^20, ये हो गया इसमें कणों की संख्या, इसमें 46 ग्राम सोडियम। ठीक, अब दूसरा देखो उसी के आगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, 16 होगा, और देखिए अणु भार कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, पहले सबसे तुरंत लिख लेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटे मोलर भार या अणु भार। तो भार इसमें कितना दिया है, 8 ग्राम बटे अणु भार कितना, 32। ठीक, ये हो गया इसके मोलों की संख्या 8/32। और फिर इसको और आगे साफ करिए, आप भी ऐसे छोड़े रहिए, कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर यंग गुणे या होगा द्रव संख्या, तो यंग हो गया 8/32×6.022×10^23। ये हो गया, अब इसी वैल्यू को साल्व कर लेंगे। अब चाहे 8/32 को उसी वक्त काट देते या फिर ऐसे साल्व कर लें। ठीक, तो इसमें देखो लगभग कितना आ रहा है, 8/6, ये लगभग आ रहा है 1.556, अब 10^23, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.1 मोल कार्बन प्रमाण, 0.1 मोल कार्बन प्रमाण, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए 0, 1 मोल कार्बन प्रमाण। देखो मोल की संख्या दे दी गई है, इसमें सवाल नंबर 3 देखो, इसमें मोलों की संख्या दे दी गई है, क्या कह रहा है, 1 मोल कार्बन प्रमाण, इसमें आपको मोलों की संख्या दे दी गई है, तुरंत सीधे लिखेंगे कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर यन इंटू अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को ही हम किससे डिनोट करते हैं, यन ए से। अब यन आपका मिला है 0.1×6.022×10^23, ये आपका मोलों संख्या इसमें ऑलरेडी दे ही गई है, तो इसको सीधे सीधे क्या करना है, गुणा कर लेना है 6.022×10^22, ये इसमें कणों की संख्या बताएगा। एक तरीके का सवाल तो ये था, दूसरा देखो बच्चों एक सवाल और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो हम इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर है, ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखो, इसमें है 1.6 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या, 1.6 ग्राम, सवाल नंबर 4, 1.6 ग्राम CH4 मीथेन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करो, आप स्वयं उसको कर सकते हैं, आइडिया आपको लग गए किस तरीके से हम इसमें मॉलिक्यूल के संख्या काउंट करेंगे, तो आइडिया आपको लग ही गई है, अब उस बेस पे आप यूज करो। कह रहा है 1.6 ग्राम मीथेन अणु है, उसमें अणुओं की संख्या आपको निकालनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे मोलों की संख्या, स्मॉल एन बराबर भार बटे अणु भार,
या मोलर भार, भार कितना है 1.6, अणुभार मीथेन का कितना आएगा, कार्बन का परमाणु भार 12, एक हाइड्रोजन का 1 हुआ, 4 हाइड्रोजन का 4 यानी कि 16, 1.6/16। अब इसमें पूछ रहा कण अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एन गुणे एन ए, एन ए क्या है और ध्रुव संख्या, और एन क्या है मोलों की संख्या, 1.6/16 × 6.022 × 10^23 ये हो गया। अब इसको साफ कर लीजिए, जो मान आपका मिल जा रहा है वो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, कणों की संख्या। अब इसका दशमलव हटाओ नीचे हो जाएगा 160, तो ये कितना एक पावर कम हो जाएगा, कितना आएगा 6.022 × 10^22 ये हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखो, 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या पूछा गया, 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या। चलो सवाल नंबर 5 कह रहा है 100 ग्राम चीनी, चीनी का ही नाम क्या है सुक्रोज, और इसी सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ये चीनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या पता करनी है, 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या, 100 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो देखो मोलों की संख्या निकालने का आसान सा फार्मूला है क्या, भार बटे अणुभार। अब चीनी का फार्मूला है C12H22O11। अब आप इसमें पहले देखिए कितना इसका अणुभार आएगा, तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 कार्बन में 12 × 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 हाइड्रोजन है, तो 22 × 1, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 11 ऑक्सीजन है, तो 16 × 11। ठीक, अब जोड़ लीजिए 12 × 12 144 प्लस 22 प्लस 16 × 11 कितना आएगा 176। अब इसको जोड़ो 6 × 2 = 8 × 4 = 12 1 × 7 = 9 × 9 = 13 × 14 + 1 × 1 = 3 ये आ गया इसका 342 क्या अणुभार। अब मोलों की संख्या ये आपका क्या है अणुभार, अणुभार आ गया 342 लिखेंगे, अतः मोलों की संख्या बराबर, अतः मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, भार आपका कितना है 100 ग्राम, अणुभार है 342 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम इसका भार है और अणुभार कितना है 342 डिवाइड कर लीजिए 3 × 6 = 292 ये इसमें हो जाएगा मोलों की संख्या। और देखो अगर इसी सवाल में आगे आपसे कणों की संख्या पूछ लिया होता कि मोलों की संख्या तथा कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, तब क्या करते हैं आप सीधे सीधे एन गुणे एन ए, यन आपका मिला है 0.00.292 × 6.022 × 10^23 इसको कर लेते हैं आप। अगर इसमें आपसे कणों की संख्या पूछा गया हो, तो कणों संख्या पूछा नहीं गया है, मोलों संख्या पूछी गई, यहाँ तक लाके आप क्लोज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 72 ग्राम जल में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या, 72 ग्राम वाटर है, इसमें आपको मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
सवाल नंबर 6, कह रहा 72 ग्राम जल H2O, 72 ग्राम H2O में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या, में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक, 72 ग्राम वाटर है, सबसे पहले इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। आंसर में क्या करेंगे, H2O बराबर अणुभार इसका कितना आ रहा, दो हाइड्रोजन का दो, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम इसका क्या आया अणुभार। अब लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार, और भार इसमें आपका कितना दिया है 72, अणुभार है 18, डिवाइड कर दो आ गया 4, मोलों की संख्या 4 आ गई। अब लिखेंगे अणुओं की संख्या बराबर n इंटू n a, मोलों की संख्या गुणे अब अगर दो संख्या, तो मोलों संख्या है 4 × 6.022 × 10³, यह हो गया अणुओं की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या। तो इसमें देखिए और क्या क्या पूछा है, मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या, तो इसमें कितना आ जा रहा है 24.08 × 10²। यह आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके का सवाल हो गया। इसके बाद और देखो, तो इस तरीके का सवाल है, तो इसमें आपका, इसमें आपका देखो इस तरीके से 6 नंबर हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब ऐसे ही सवाल आपको जो भी आपको मिले बुक में उनको आप सॉल्व करें, कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कंसल्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस बनाए रखिए, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए, इस तरीके के सवाल आपको बुक में नजर आए तो उनको सॉल्व करिए, प्रॉब्लम होने को सूचित करें। धन्यवाद।